बैक गाइस। सो अभी तक हमने देखा है कि टेस्टिमोनियल्स कैसे ऐड करते हैं, सोशल मीडिया कैसे ऐड करते हैं, फिर अपना अपनी वेबसाइट का इन्फो कैसे, आर्टिकल या रैंकिंग कैसे ऐड करते हैं, मैप में कैसे ऐड करते हैं, और लास्ट में हमने देखा था कि फुटर कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि फुटर में एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लिंक्स होते हैं और ईमेल्स और मैसेज होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि तो ये खत्म हो गया, तो इसको हम देखते हैं कि इसको पब्लिश कैसे करते हैं। मैं लोकल ड्राइव है, मैं यहाँ, तो यहाँ पे आपको एक ऊपर में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये पब्लिश करके देख सकते हैं। तो ये आपको ये लोकल ड्राइव में पब्लिश करनी है, तो आपको एक फोल्डर चूज करना पड़ेगा, ब्राउज ब्राउज करना पड़ेगा इसके लिए। और ये मैं डेस्कटॉप पर नाम देता हूँ, ये फोल्डर डेस्कटॉप बन गया, इसको सिलेक्ट करना करता हूँ मैं और ये पब्लिश कर लेता हूँ। ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो जो हमारे जैसे जितने भी साइज अपने वेबसाइट में क्या क्या डाला है उसके साइज के हिसाब से एक्सपोर्टिंग के लिए टाइम लगेगा। तो ये आपके सामने एक सारी एक्सपोर्ट फाइल्स हो गई है, ये होम कॉन्टैक्ट और अबाउट की देखते हैं कि खुली है। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई है। तो आप आपका काम क्या होगा, इसको आपको सब अपने सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल मतलब अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको ये वेबसाइट आपको ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम वेबसाइट डिज़ाइन सीख सकते हैं। और भी हमें आपको दिखा देता हूँ कि एक्सटेंशन और थीम्स में क्या क्या है। कि आपको आपके सामने सोशल फीड है, इसको आपको ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं सोशल मीडिया। और ये एक बाकी सब तो आपको पेड करना पड़ेगा। ये साउंड क्लाउड मतलब आप कुछ साउंड डाल सकते हैं इस पर, गूगल एनालिटिक्स भी डाल सकते हैं, और आप जो कोड इसमें यूज़ हुआ है आपको उसको चेंजेस करना है तो आपको भी पेड करना पड़ेगा। और आप HTML चेंज कर सकते हो, HTML कोड आपके अपने हिसाब से। सो फाइनली वी हैव मेड द गुड वेबसाइट। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कैसी वेबसाइट बनानी है, मैंने तो आपको बस गाइड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ट्यूटोरियल मेरे लिए फर्स्ट ट्यूटोरियल है, इसलिए बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।